संडे को भी, अगर संडे को भी आ जाओ, क्योंकि देखो स्टूडेंट का डेडिकेशन और टीचर का डेडिकेशन, दोनों डेडिकेशन को ऐड करो तभी रिजल्ट अच्छा होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, इतना देर आपका टीचर कभी नहीं अवेलेबल रहेगा। हम तो आकाश में थे, कभी नहीं होता था, इतना क्लास रहता वहाँ पे हालत खराब हो जाता था, कभी नहीं डॉट्स में इतना देर रहते थे हम लोग। तो यहाँ पे जब भी आपको मन करेगा आ जाइएगा, संडे को भी रहते हैं हम लोग। चलिए, कहाँ तक टॉपिक पढ़ाए थे याद है आपको? लॉ ऑफ केमिकल इक्वेलेंस, आई थिंक नॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया था ना, कि हाउ टू फाइंड द नॉर्मेलिटी मिक्सचर। यस ओके, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे श्रीजा यहाँ पे बहुत सारा बच्चा यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो मैं सबको बता रहा हूँ कि ये जैसे अनुष्का यहाँ पे है, लिए सबको बता रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी मिक्सचर बता दिए थे ना, हाउ टू फाइंड द नॉर्मेलिटी मिक्सचर, जिन्हें बताइए बता दिए थे ना वो। यस सर तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस मैंने यहाँ पे बता दिया था, लेकिन एक बार थोड़ी और बता के मैं चला जाता हूँ आगे। इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या था? देखो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वेलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। तो ये बोलता है कि कोई भी आप रिएक्शन ले लो, इन एनी रिएक्शन वन रिएक्टेंट हैविंग सेम इक्वेलेंट एज द इक्वेलेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। अब कोई भी मान लो ये बोलता है, ये सिंपल एक थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रूफ करके बता दिया था आपको ये चीज, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार आपको, ये देखना देखना, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, 1 मिनट रुको। तो देखो, अगर एक बी से कंबाइन करके अगर बना रहा है सी और डी, तो स्टेटमेंट बोलता है इक्वेलेंट ऑफ ए, सुनो मेरी बात, इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ बी, इक्वेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ सी, इक्वेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ डी। यही था कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बताइए आप लोग। हाँ सर इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा, इक्वेलेंट ऑफ बी, और इक्वेलेंट ऑफ बी और इक्वेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा, सी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ डी। अब ये बताओ मोल्स मेथड में ऐसा लिख सकते हो बेटा आप कभी? देखो लिख लो यहाँ पे इक्वेलेंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल, यस मस्ट, यस शुड नॉट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिफाई आइडेंटिकल मतलब कि कोई भी आप रिएक्टेंट लेंगे उसका इक्वेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इक्वेलेंट ऑफ इक्वेलेंट्स बोलिए, नंबर ऑफ इक्वेलेंट जो बोलिए आप लोग, तो बोले कि द इक्वेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल। तो देखो इस रिएक्शन लिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, वी नो दैट ए कंबाइन विद बी टू गिव द सी एंड डी, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेलेंस इक्वेलेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ बी, इक्वेलेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ सी, इक्वेलेंट ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ डी। अगर मेरे को बता दो, मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ। सोडियम सल्फेट को अगर मैंने रिएक्शन करवाया एलुमिनियम क्लोराइड से, ये बनाएगा क्या, देखना ये बनाएगा सोडियम सल्फेट, मान लो बनाया ये सोडियम क्लोराइड बनाया और एलुमिनियम सल्फेट बना दिया, अब एक काम करो मेरे बेटे, सोडियम सल्फेट का इनफैक्टर कितना हो गया ये बताइए तब लोग। टू गुड, इसका इनफैक्टर 2 हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड को बताइए। थ्री गुड, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यस किसी एक का लेंगे। एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट 6, और एन फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड
वन. ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द मोल एंड फैक्टर रेशियो ऑफ दिस टू रिएक्टेंट्स, 2:3. हाँ सर, यस सर, सोडियम सल्फेट से एल्युमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर का रेशियो बताओ बेटा, 2:3 दिख रहा है आपको, तो सर, उसको रिवर्स कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो थ्री सर, देखो देखो मैं 3:2 हो जाएगा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना है इसको, देखना है एक सी, देखना है यहाँ पे 3:2 अगर ले रहा हूँ ना, तो मैं देख दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पे ये मैं 3 दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 दे रहा हूँ, ये बताओ मोल का एन फैक्टर रेशियो का रेसिप्रोकल आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो सोडियम क्या हो जाएगा 6. बेटा नाउ टेल मी एट दिस टाइम दिस रिएक्शन इज बैलेंस या नॉट बैलेंस, सर बैलेंस, सर बैलेंस, बैलेंस है. बैलेंस, आप ये बताइए कि मोल्स लेंगे, कितना मोल्स ले रहे हैं बताइएगा, सबका बताइएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम सल्फेट का कितना ले रहे हैं आप, 3, 2, 1, 6. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जाएंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है, बेटा बताइए मोल्स आपने 3 लिया, एन फैक्टर आपने 2 लिया, मोल्स इसका आपने 2 लिया, एन फैक्टर 3 लिया, इसका मोल्स आपने 1 लिया, एन फैक्टर 6 लिया, इसका आपने मोल्स कितना लिया, 6 लिया, एन फैक्टर 1 लिया, बताओ सबका सेम आ गया कि नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. यस सर, यस सर, हाँ सर, देखो सबका इक्विवेलेंट बट दे डिफर इन द मोल्स या सेम डिफरेंट, डिफरेंट, आप खुद से सोचो, इस रिएक्शन में अगर इसका मोल रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 3:2, लेकिन इक्विवेलेंट का रेशियो लेंगे तो कितना, 1:1, मतलब ये बोल सकते हो हम लोग, ले बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम सल्फेट मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, बोल सकते हो बेटा ये. हाँ हाँ सर, अच्छा ये बताओ इक्विवेलेंट में जब जाते हैं तो मोल्स लिखते हैं कि नहीं, तो हम लोग इसको और आगे कर करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, ये मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कितना लेंगे 2, ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर इसका लेंगे 3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग. हाँ सर, अब एक काम करो, अब देखना, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सोडियम सल्फेट को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मोल्स ऑफ सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड से, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड से, तो बेटा क्या आ रहा है, 3:2 रेशियो आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर, अब देखो तो इस रिलेशन से मोल रेशियो और एन फैक्टर रेशियो रिवर्स हो रहा है कि नहीं, चेक कीजिए. हाँ सर, यस, हवाई बात समझना कहाँ से टॉपिक है ये, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो यहाँ पे देखो ये मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, अगर इसके मोल्स किसको डिवाइड करते हैं, एन फैक्टर देखो इसके इसका डिवाइड हुआ, मतलब मोल्स का एन फैक्टर रिवर्स हो रहा है कि नहीं, यस सर, इससे कंक्लूजन ले यहाँ पे, इससे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे कंक्लूजन लिया फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन का बात कर रहा हूं मैं, अनबैलेंस या बैलेंस का, बैलेंस, और तो बैलेंस, बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगा, हमेशा याद रखिएगा क्या ही होगा यहाँ पे, मोल रेशियो ऑफ टू रिएक्टेंट्स, ऐसे लिखेंगे मोल रेशियो, ऐसे लिखो मोल रेशियो ऑफ टू कंपोनेंट, अब कंपोनेंट रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट इक्वल टू इज रेसिप्रोकल ऑफ
देयर एन फैक्टर्स रेशियो। आई बात समझ में? बेटा ये थ्योरी समझ में है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे? यस सर। अगर कहीं भी, हाँ सुनिए, एक अंडरलाइन करने दे, उसके बाद मैं बता दूंगा। सुनिए बताइए, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी रिएक्शन में इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्वेलेंस तो डेफिनेटली दो कंपोनेंट के इक्वेलेंट को इक्वेट करेंगे, और जैसे इक्वेलेंट को इक्वेट करके आप मोल्स में आएंगे तो एन फैक्टर मोल्स करेंगे दोनों साइड, और जैसे मोल्स रेशियो लोगे तो एन फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं, आप खुद से देखो। सर मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि अगर मान लो कि ए ए है, बी बी है, कंबाइन करके सी सी बनाया और डी डी बनाया, बताओ ए का कॉफिशियंट मैंने ए ही रखा स्मॉल, तो बेटा बताओ ये अगर ए मोल होगा तो ये बी मोल है, इसका एन फैक्टर अगर बी होगा इसका एन फैक्टर क्या होगा बताइए बेटा, ए होगा कि नहीं? यस देखो मैंने क्या किया, ए का मैंने मोल कॉफिशियंट रखा ए, बी का मैंने कॉफिशियंट बी रखा, मैंने कॉफिशियंट देखा ए और बी था, तो मोल फ्रैक्शन ये एन फैक्टर रेशियो क्या होगा, रिवर्स कर दो उसका। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सर एक डाउट था बताइए सर, ये इक्वेरेंट से इक्वल होगा ये कैसे हमको पता है? इक्वेलेंट कैसे इक्वल होगा ये बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मतलब जो थियोरी है वो कैसे प्रूव हुआ वही। देखिए ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, ये रिएक्शन लिया था मैंने, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3, 2 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आई बात आपको? हाँ सर। अब ये बता दो सोडियम सल्फेट के कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? सर दो। और नेगेटिव चार्ज भी कितना है? सर एक माइनस दो, वन। दो है सल्फेट -2, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। बेटा ये बता दो व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ एनी सॉल्व यू हैव टू टेक द टोटल यूनिट ऑफ आदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड। यस सर। आप सोडियम सल्फेट में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे या पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दो ही मिलेगा आपको, यस सर। एन फैक्टर दो लिए। एल्युमिनियम सल्फेट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे टोटल यूनिट का 3 आएगा, एल्युमिनियम सल्फेट में लेंगे तो 6 आएगा, यस। और सोडियम क्लोराइड में एक यूनिट होता है सोडियम पे, एक यूनिट होता है क्लोरीन पे माइनस, तो यू हैव टू यूज द ओनली वन मैग्नीट्यूड, एक को लेंगे तो 1 हाँ सर। राइट। इस रिएक्शन में देखो सोडियम सल्फेट का मैंने कितना मोल लिया, 3, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए 2, नहीं एल्युमिनियम क्लोराइड का एल्युमिनियम सल्फेट का लिया मैंने 1, सोडियम क्लोराइड का मैंने 6 लिया, ये समझ में आई बात? हाँ सर। अब नंबर भी इक्वेलेंट, इक्वेलेंट जो होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। हाँ सर। नंबर ऑफ इक्वेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, तो देखो मैंने क्या किया एन फैक्टर मोल्स को सबको मल्टीप्लाई कर दिया था, वैल्यू क्या है सेम आ गया कि नहीं, देखो प्रूफ हो गया आपका। हाँ अब सुनिए लॉ ऑफ केमिकल इक्वेलेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई भी रिएक्टेंट को मैंने देखो यहाँ पे बता ही दिया कि इसका सबका इक्वेलेंट सेम होता है, अब बता दो सोडियम सल्फेट के इक्वेलेंट को एल्युमिनियम क्लोराइड के इक्वेलेंट को सेम कर देंगे हम लोग, जब इक्वेलेंट को सेम करेंगे तो इक्वेलेंट का एक्सप्रेशन मोल्स इनटू वन फैक्टर में करेंगे, तो आप देख लो मोल रेशियो फैक्टर रेशियो पर रेसिप्रोकल है कि नहीं, सोडियम सल्फेट का मोल्स कितना है 2, देखो सोडियम सल्फेट का मोल्स कितना, सॉरी सोडियम सल्फेट का मोल्स कितना आपका देखो तो 3,
और इसका टू, ये मोल रेशियो है, और एन फैक्टर रेशियो इसका देखो टू इसका थ्री, तो एन फैक्टर रेशियो का रिवर्स हो रहा है कि नहीं मोल रेशियो, बताइए आप। देखो यहाँ पे एन फैक्टर रेशियो यहाँ पे टू इज टू थ्री है, अब मोल रेशियो देखो थ्री इज टू टू है, रिवर्स है कि नहीं ये बेटा बताओ पहले आप। इसका मतलब कहीं भी कोई भी कंपोनेंट अगर दो पकड़ेंगे, चाहे एक वो रिएक्टेंट होगा दोनों, मे बी वन रिएक्टेंट अदर प्रोडक्ट, या मे बी दोनों का दोनों प्रोडक्ट होगा, किसी भी कंपोनेंट को पकड़ो उसका इक्वेलेंट को इक्वेट कर दो, आंख बंद करके दोनों के इक्वेलेंट को इक्वेट कर दो, बट यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एन फैक्टर, यू मस्ट हैव एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेलेंस। अगर बेटा इक्वेलेंट के एक्सप्रेशन में एन फैक्टर के टॉपिक में अगर कहीं भी आप वीक हो जाओगे, तो फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन जो क्वेश्चन आप चाहोगे कि एकदम इजीली बन जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैं क्या बताया आपको, मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, इसका ए मोल लिया, इसका बी मोल लिया, तो ए मोल बी मोल देन फैक्टर बी इंटू ए हो जाएगा कि नहीं बताओ, इस टू ए, आई बात समझ में। और देखो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ बेटा, बताओ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आयली बताइए, अनुष्का बताओ बेटा ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हाँ सर, बैरिस्ट अच्छा ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फैक्टर तो बोल दोगे आपको, आप खुद से सोचो एन फैक्टर अगर कैल्शियम कार्बोनेट का टू है और CO2 का मेरे को निकालना है, तो मैं निकाल नहीं सकता एन फैक्टर इसको मोल रेशियो से, मैं बोल सकता ना यहाँ पे देखो क्या करूंगा, देखो इक्वेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या बोल दूंगा, अगर इक्वेलेंट मेरे को फाइंड करना है CO2 का, तो बताइए इक्वेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ CO2, इक्वेलेंट क्या होता है बेटा मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू एन फैक्टर, तो टू मोल्स ऑफ CO2 इंटू एन फैक्टर। अब बेटा बता दो मोल्स आपने 1:1 लेके रखा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, एन फैक्टर टू निकल के आ गया कि नहीं CO2 का भी, बताइए एन हाँ सर, फैक्टर CO2 का कितना एन फैक्टर निकल के आ गया बताइएगा, तो अब एक काम करो इतना थ्योरी कौन लिखेगा लॉ ऑफ, देखो इसका मोल रेशियो कितना है 1:1, तो इसका एन फैक्टर अगर टू होगा तो इसका भी एन फैक्टर टू होगा कि नहीं, अगर यस सर, इस रिएक्शन में अगर पूछेगा कि CO2 का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो CO2 का इक्विवेलेंट मास उसका मोलर मास बाय टू कर दोगे कि नहीं, हाँ सर, आके बताइए CO2 का वॉल्यूम के CO2 का 1 मोल्स का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, हाँ सर, अगर इस रिएक्शन के थ्रू पूछेगा कि CO2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताओ तो 11.2 लीटर बोल दोगे कि नहीं, इस रिएक्शन के थ्रू आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट होता है क्योंकि एन फैक्टर 2 हो रहा है इसका, सर बताइए आप लोग ऑनेस्टली बताइए समझ में आ गया एन फैक्टर कैसे फाइंड होता है किसी रिएक्शन के थ्रू, यस मतलब कि किसी भी रिएक्शन में एक कंपोनेंट का अगर एन फैक्टर बता रहेगा तो दूसरा का फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से इक्विवेलेंट को इक्वेट करके, अगर किसी रिएक्शन में किसी भी दो कंपोनेंट का चाहे दोनों रिएक्टेंट हो या एक रिएक्टेंट होगा एक प्रोडक्ट होगा या दोनों प्रोडक्ट होगा सबका इक्विवेलेंट सेम होगा, ये समझ में आ गई आपको, यस हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चले आगे टॉपिक को लेके। सर, एक डाउट छिलो, बोल which number of equivalent in 1 mole is equal to n factorated to একবার বলে দেবেন? বাবা এটা দেখ এটা দেখ প্রিভিয়াস ক্লাস এটা দেখ ক্লাস নোট দেখ বেসিক স্ট্রেংথ অফ অ্যামিনস এটা লজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন এটা এটা ছিল দেখ এটা তো আজকে আছে প্রিভিয়াস ক্লাস কা নোটস হ্যায় কিডনি কে পাস দেখো তো ওয়াহাঁ পে মানে বাতায়ে থে পুরো ডিটেল বাতা দিয়ে থে ইয়েস দেখো ইয়ে সব ইয়ে দেখো এটা দেখ বাবু এটা দেখ এটা কি আছে দেখো
এটা দেখো, নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু গিভেন মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস, হ্যাঁ স্যার, নাম্বার অফ ইকুয়াল গিভেন মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস এম বাই ই, এটা বল নাম্বার অফ মোলস কি হয় গিভেন মাস বাই মোলার মাস, হ্যাঁ আর ইকুইভ্যালেন্ট মাস কি বলি মোলার মাস বাই এন ফ্যাক্টর, হ্যাঁ স্যার, মোলার মাস ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইনটু এন ফ্যাক্টর, হুম মোলার মাস কো রিপ্লেস করকে ইকুইভ্যালেন্ট মাস ইনটু এন ফ্যাক্টর এটা পুট করে দেবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এটা বল এটা এম বাই ই কি হলো নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্টস, হুম এন ফ্যাক্টর এদিকে চলে যাবে তাহলে কি হয়ে যাবে বল, নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট মোস ইনটু এন ফ্যাক্টর হুম হুম গিভেন ঠিক মাস আছে। বাই ইকুইভ্যালেন্ট, গিভেন মাস বাই ইকুইভ্যালেন্ট মাস মতলব কি হতা নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্টস ইয়ে ইকুইভ্যালেন্টস আর নাম্বার অফ মোস ফ্যাক্টর দ্যাট ইজ অলসো ইকুইভ্যালেন্টস গিভেন ভলিউম বাই ইকুইভ্যালেন্ট ভলিউম দ্যাট ইজ অলসো ইকুইভ্যালেন্ট, দেখ এটা লেখা আছে পুরো। बेटा आपको पता है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन ये जो मैंने बताया एक चीज आपको पता है, देखो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ यहाँ पे आपको, ये अगर स्ट्रेंथ नहीं जितना भी बचा मैं सबको बताऊँ चाहे कहीं भी पढ़ो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ये अगर नहीं पता रहेगा तो इक्वलेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बना पाओगे। देखो क्या होता है, देखो नंबर ऑफ इक्वलेंट्स बोलो या इक्वलेंट्स बोलो, दुनिया बोला था ना मैंने ये सब इक्विवेलेंट्स बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलिए, यस सर, सब एक ही टर्म होता है ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए सब एक ही टर्म होता है। इक्वल टू हमें से याद रखिए कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मोल्स इनटू एन फैक्टर नॉर्मेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इतना अगर नहीं याद रखोगे बेटा तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और भी एक बताए थे गिवन वॉल्यूम में बेटा क्या बताए थे आपके, तो बताइए गिवन वॉल्यूम में बेटा क्या बताए थे, गिवन वॉल्यूम में इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये फॉर्मूला का अगर एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे तो लॉ ऑफ केमिकल कुछ नहीं कर पाओगे जो मैं फैक्ट बात बता दिया। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल्स इनटू एन फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अब मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर नंबर ऑफ मोल्स, याद है आपको मोलर कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम लीटर नंबर ऑफ मोल्स और नॉर्मल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम लीटर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अ गिवन वॉल्यूम बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बेटा ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्लास पिछले क्लास में 10 बार से ज्यादा बोला था ये, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा ये नहीं कोरिलेट कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, दुनिया को कोई भी इंसान नहीं बता पाएगा ये अगर नहीं कर पाएंगे तो। 9th के एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा ऊपर उठो बेटा, तो ये क्या होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट सब एक ही टर्म होता है, ये समझ में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस का मास देगा तो इक्विवेलेंट आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं बताओ, कर सकते हैं। अगर किसी का मोल देगा तो इक्विवेलेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, किसी का नॉर्मलिटी इन वॉल्यूम इन एमएल देगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप ये अगर गिवन वॉल्यूम देगा तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम को लेकर एसटीपी पे आप डिवाइड कर दोगे तो वहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये समझ में आई बात, ये थ्योरी बताइए फॉर्मूला। हाँ सर, हाँ अब देखिए आप जो बता रहे सुनिएगा, आप जो बता रहे हैं वहां पे देखिएगा, एक जो अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसी पे एक बताने जा रहा हूँ, देखिएगा क्या बता रहा हूँ। आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन क्या होता है देखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, मतलब सिंगल स्टेप का मतलब क्या होगा, एक ही स्टेप में कोई रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट बना के निकल जाएगा, मान लो ए टू बी कंबाइन करके सी और डी बना दिया, मान लो 3D बना दिया, मतलब सी या डी फर्दर रिएक्शन नहीं कर रहा है, ए और बी कंबाइन करके सी और डी बना दिया, तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल के बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इक्वालेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वालेंट ऑफ इक्वालेंट ऑफ बी, इक्वालेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वालेंट ऑफ सी,
इक्वलेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वलेंट ऑफ डी। आई बात समझ में? आप मेरे को बता दो, अगर ए का अमाउंट दे देगा तो सी का अमाउंट नहीं फाइंड कर सकते दोनों के इक्वल को इक्वेट करके? सुनो हाँ मेरी सर, बात, अगर मान लो ए का अमाउंट दे देगा, अब बोलेगा बी का अमाउंट फाइंड करो, तो दोनों के इक्वल को इक्वेट करके हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग? फिर मान लो कि बी का अमाउंट देके अगर डी का पूछेगा तो उसका भी दोनों का इक्वलेंट हम लोग इक्वेट कर देंगे। अगर ए का अमाउंट देके बी का पूछेगा कितना अमाउंट चाहिए तो उसका भी इक्वलेंट को इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि डी आपका गैस है, लेट कर लो, अब बोलेगा डी का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, अगर ए का अगर 5 ग्राम लिए तो ए और डी के इक्वलेंट को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके मैं वॉल्यूम से कोरिलेट कर दूंगा, तो बेटा कर सकते हो कि नहीं वहां पे बताओ? यस सर। अब आई बात समझ में? ये सिंगल स्टेप का, डबल स्टेप का देखिए क्या होगा, इस पे थोड़ा वर्क करना है, इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सब पे, आज सब पे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो दूसरा क्या लिख रहा हूँ, फॉर टू और मोर स्टेप्स रिएक्शन, मतलब रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगा दो या मोर स्टेप्स में, कैसे होगा देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप वन ले रहा हूँ, स्टेप वन। स्टेप वन में क्या क्या, ए बी से कंबाइन करके सी बनाया, और स्टेप टू ले रहा हूं मैं, सी ने क्या किया, जी से कंबाइन करके ई प्लस एफ बनाया। मैं क्या बोलूंगा कि इसका अमाउंट, इसका मोल दे दूंगा और ई का मोल्स मैं पूछूंगा, बता दो। ए का एक ए इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ सी होगा कि नहीं? हाँ सर, यस और सेकेंड रिएक्शन में इक्वेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ ई आएगा कि नहीं? यस। जब फर्स्ट स्टेप का इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू सी हो गया तो इधर सी, तो सी बी से कैंसिल कर दो, इक्वेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ ई आ जाएगा कि नहीं? अगर मान लो ए का अमाउंट दे देगा तो ई का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं दोनों के इक्वेलेंट को इक्वेट करके? यस सर, अब बता दो क्या लग रहा है कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, क्या लगता है वो टफ क्वेश्चन आएगा? एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन सब रहता है। प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्योरी, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल करूंगा कि इक्वलेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ किसका हो जाएगा, ई। अगर मान लो मेरे को कि इसके अमाउंट से इसका अमाउंट फाइंड कर लेंगे तो 20 से स्क्वायर इज कर देंगे, इसका इक्वलेंट को इक्वेट कर देंगे। कुछ आइडिया लगा कैसे करेंगे? सर अब देखो, अब क्वेश्चन आओ, दो चार क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं ट्रैक्टेशन का पार्ट बताऊंगा, टॉपिक को पीओसी बता के खत्म करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझाने के लिए जो मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन क्या होगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैं, क्वेश्चन दिखाई दे रही है स्क्रीन पर आपको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया बेटा। यहाँ पे एनटीपी को आप एज एसटीपी ही लेना, मतलब ये क्वेश्चन में बोला ना कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मेटल हुज इक्वेलेंट वेट इज 28। बेटा मेटल के इक्वेलेंट वेट कितना दिया, 28। 28, और डिस्प्लेस कर रहा है कितना लीटर हाइड्रोजन, 0.7 लीटर। अब ये बता दो बेटा आप कौन सा मेटल है ये आपको बोल रहा है, ये बताओ तो। हाँ कौन सा मेटल है, अब निर्मल ये बताइए कौन सा मेटल है ये बेटा बोला आपको, नहीं। कौन सा एसिड है ये बोला बेटा, बता बोला आपको, नहीं। इज इट पॉसिबल टू राइट द केमिकल इक्वेशन, नो नो। आप बता दो, अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वल ये मोल्स मेथड से बनाने जाऊंगा तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इज इट पॉसिबल, कैन यू राइट द बैलेंस, कैन यू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? नहीं लिख पाओगे बेटा, देख लो आप कैसे लिख पाओगे, आप लिख ही नहीं सकते बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब बेटा बता दो, बैलेंस केमिकल क्वेश्चन ही लिखेंगे, इक्वेलेंट वेट अगर दे देगा और हाइड्रोजन का इक्वेलेंट वॉल्यूम पता है आपको 11.2 लीटर, यहाँ से वेट ऑफ मेटल ही निकाल सकते हैं हम लोग। यस हम बताइए देखो क्या करेंगे,
इसका थ्योरी समझ में आया कहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे? देखो मैंने बोला आपको कि एक मेटल है, मेटल पे कोई एसिड दिए तो मेटल का क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। मैंने एक सिंबल लिखा, नहीं लिखा मेटल कौन सा लिखा, नहीं लिखा, मैंने सीधा इक्वेशन लिखा। अब बता दो इसमें मेटल का मास पूछ रहा है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है, तो किसका इक्विवेलेंट को इक्वेट करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका करेंगे हम लोग, बताइए बेटा किसका करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ? आर्यन बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बता दो इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्रेस करेंगे किस वॉल्यूम में या मास में? वॉल्यूम वॉल्यूम में। और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किस में एक्सप्रेस करेंगे? मास में। इसका एम बाय अगर 28 लिए, इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम 0.7 बाय 11.2 लीटर लेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? देखो ना, मेरे को रिएक्शन बैलेंस करना पड़ा ना, मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, मैंने सीधा दोनों को इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दिया, इक्विवेलेंट मास मेटल दिया था यहाँ पे, सीधा मैं मास ऑफ मेटल फाइंड कर लिया, कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है वहां पे? 0.7 लीटर। अब मेरे को पता है वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन स्टैंड फॉर 11.2 लीटर, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, याद करो। अब मैंने बोला भी था आपको हाइड्रोजन क्लोरीन का और ऑक्सीजन का बेटा दिमाग में सेट कर लो, टंग पे होना चाहिए आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम एसटीपी पे, अगर नहीं रहेगा तो बेटा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। कुछ आइडिया लगा कैसे बनाया ये? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, जो टू जो दिए टू कर लोगे आप लोग, बताइए तो 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल दिस ml ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी टू रिड्यूस टू इट्स मेटल। मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड एंड इक्विवेलेंट ऑफ मेटल आपसे पूछ रहा है। अब बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, बताइए सोम बताइए, आर्यन बताइए, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, मालूम ही हाँ सर। बताइए कर यस सर। देंगे। ओके अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड में क्या लिखोगे? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अनुष्का बताओ बेटा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास निकालोगे? श्रीजा इक्विवेलेंट मास कितना लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास आपका नहीं दिया था, इक्विवेलेंट मास तो फाइंड करना मेटल का ऑक्साइड का, तो बेटा तो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे, तो उसके लिए 1.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड बोलेंगे कि नहीं आप? इक्वल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड में अगर 8 आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नहीं आ जाएगा, मैंने बताया था ना। सर फिर से बताएंगे। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन से एक ये फाइंड कर सकते हो आप लोग, ये पार्ट हाँ सर। मेटल का मैं बता रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड का फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप? देखो तो ये मेटल ऑक्साइड है ये, तो हम लोग सीधा बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड 1.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू लिखेंगे 833 अपॉन 1100 11,200, तो यहाँ पे ई जो फाइंड करेंगे ई क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा, तो फाइंड कर सकते हो कि नहीं आप? हाँ सर। तो बताइए कितना आ रहा है? 24.2। ऑप्शन ये जो कैलकुलेशन करके चेक करो आ जाएगा या नहीं आएगा दादा, मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पे एटीन कर देंगे, ये तो जाएगा आपका वन हाँ सर, आइए। ओके अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट कुछ है। ये समझ में आ गया यहाँ तक हाँ टॉपिक सर। आया सर आपको? ओके अब एक काम करो, ये समझ में आया आपको ना यहाँ तक आया समझ में? एक चीज आप याद करो, एक चीज याद करो कि मेटल ऑक्साइड का मैंने फाइंड कर लिया, और ऑक्सीजन का कितना होता है इक्विवेलेंट मास बेटा? 8।
सुनो, एक चीज बता रहा हूं आपको, यहां पे बता देता हूँ, सुनो, नोट करके लिख लो। आपने एम एक्स एन वाई जो लिए थे, इसमें आपने कुछ किया था ना, ऐसे चेंज थोड़ा था इसमें, तो एक्स एम वाई प्लस लिए थे, वाई एन एक्स माइनस लिए थे, तो आपने इक्वलेंट मास बोला था एम एक्स एन वाई का, एन वाई का इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ एम वाई प्लस इक्वलेंट मास ऑफ एन एक्स माइनस, कुछ ऐसे बताए थे। हाँ यस सर, यस सर, देखो, यहीं से कंक्लूजन क्या लेते हैं, कंक्लूजन लेते हैं, देखिए कंक्लूजन लेते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिए, तो कंक्लूजन क्या लेते हैं, देखो फर्स्ट ले रहे हैं, जितना भी कार्बोनेट्स होगा, मेटल का जितना भी कार्बोनेट्स होगा, उसमें कौन सा कंपोनेंट कॉमन होगा, कार्बोनेट कॉमन होगा CO3 2 माइनस, तो उसका जो इक्वलेंट मास होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल अब प्लस क्या होगा, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कितना होता है बेटा बताइए, कार्बोनेट इक्वलेंट मास ऑफ मेटल और कार्बोनेट आएगा वहां पे, तो कार्बोनेट जो लेंगे तो हम लोग सीधा इक्वलेंट मास ऑफ मेटल +30 लिख सकते हो, ये बताइए। यस सर। अब ये बताइए, फॉर सल्फेट्स अगर लेंगे किसी मेटल का, सल्फेट्स अगर जाएंगे, सल्फेट में क्या लिखेंगे आप इक्वलेंट मास सल्फेट का, किसी मेटल सल्फेट का मैं बता रहा हूँ, मेटल का सब है, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट मास ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट का इक्वलेंट मास कितना था, 48। अगर मान लो मेटल का इक्वलेंट मास 20 होगा, तो मेटल के सल्फेट का इक्वलेंट मास कितना होगा, 68 होगा कि नहीं। हाँ सर, अगर किसी मेटल सल्फेट का अगर मान लो कि मेटल सल्फेट का इक्वलेंट मास अगर दे देगा आपको 68, तो मेटल के इक्वलेंट मास कितना होगा, सो 48 सब्सट्रैक्ट करके फाइंड कर लोगे कि नहीं यार। तो हाँ किसी भी सर, मेटल का, किसी मेटल नाइट्रेट का है, मेटल कार्बोनेट का है, मेटल सल्फेट का, मेटल क्लोराइड का या मेटल ऑक्साइड का, किसी का भी इक्वलेंट मास फाइंड करोगे, तो इक्वलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट मास ऑफ सल्फेट, इक्वलेंस ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट मास ऑफ कार्बोनेट, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्वलेंट मास ऑफ क्लोराइड, इक्वलेंट मास ऑफ ब्रोमाइड, सबको ऐड करके फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, इक्वलेंट मास सॉल्ट का मैंने प्रूफ करके बताया था। आप बताइएगा, फॉर सल्फेट लिए, अगर मान लो फॉर ऑक्साइड होगा या क्लोराइड्स होगा, क्लोराइड्स तो क्या लिखोगे, क्लोराइड्स के लिए बता दो इक्वलेंट मास, सर और उसमें बताइए। गुड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। अगर बेटा यहीं पे ब्रोमाइड होता तो ब्रोमाइड के रिस्पेक्ट लिख देते हम लोग। ओके, फॉर मेटल ऑक्साइड जब जाएंगे, मेटल ऑक्साइड का बात करेंगे हम लोग, ऑक्साइड का तो इक्वलेंट मास क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो इक्वलेंट मास, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्या हो जाएगा, 8। अब बताओ उस क्वेश्चन में इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्साइड आपने फाइंड कर लिया था 24.2, और उसमें से अगर -8 कर देंगे तो इक्वलेंट मास मेटल नहीं आ जाएगा बेटा। हाँ सर, अब यस, आई क्या गया समझ में, अगर मेटल, अगर मान लो किसी मेटल का इक्वलेंट मास अगर 24 होगा, तो मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट मास 32 होगा कि नहीं। सुनो, मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट, मेटल का अगर इक्वलेंट मास 24 होगा मेटल का, तो मेटल का ऑक्साइड का इक्वलेंट मास 32 होगा कि नहीं, +8। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल अगर मान लो 20 होगा, मेटल इक्वलेंट मास अगर 20 होगा, तो मेटल ऑक्साइड का 28 होगा कि नहीं। हाँ सर, अगर मान लो मेटल ऑक्साइड का इक्वलेंट मास अगर 40 होगा, तो मेटल का 32 होगा कि नहीं। हाँ हाँ सर, सर, अगर मान लो मेटल क्लोराइड का इक्वलेंट मास, अगर मान लो मेटल क्लोराइड का मैं बोल रहा हूँ, मेटल क्लोराइड का इक्वलेंट मास अगर मान लो 60 होगा, तो उसमें 35.5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो मेटल का आ जाएगा कि नहीं।
अगर मान लो मेटल का इक्विवेलेंट मास अगर 23 होगा तो उसका कार्बोनेट का क्या होगा, 53 होगा कि नहीं, 30 ऐड कर देंगे। आप कैल्शियम कार्बोनेट जाते हो तो बेटा कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास कितना होता, 20। हाँ सर, आ कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 30, तो 20 30 कितना होगा, 50। यस आप कैल्शियम कार्बोनेट पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 2 यूनिट निगेटिव चार्ज लेते हो तो 100/2 करते हो तो 50 ही आता है, नहीं आपका। तो बेटा याद रखना, मेटल का क्लोराइड होगा, मेटल का ब्रोमाइड होगा, मेटल का नाइट्रेट होगा, या मेटल का कार्बोनेट होगा, या मेटल का सल्फेट होगा। तो एनायनिक पार्ट पे कितना इक्विवेलेंट मास है वो पता आपको। आप मेटल के इक्विवेलेंट मास अगर एनायनिक पार्ट के इक्विवेलेंट मास को ऐड कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कि नहीं। यस सर, ये समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब बेटा, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो उस क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन में आपने इक्विवेलेंट मास कितना फाइंड किया था मेटल का, ऑक्साइड का, 24.2। हाँ सर, लिख सकते हो ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लिख सकते हो ना सेकंड को, इसके लिए जब फाइंड करेंगे तो आप लिख सकते हो ना, इसके लिए फाइंड करोगे तो इक्विवेलेंट मास क्या लिखोगे, 24.2 इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 8। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा आपका, 16.2। हाँ सर, तो बताइए, अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अगर पता होगा आपको, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी का भी अगर पूछेगा मेरे को इक्विवेलेंट मास फाइंड करना, तो नहीं फाइंड कर लूंगा किसी का भी। बेटा यूनानिमसली बता दो, 1 एंड 2 जो क्वेश्चन बताए दोनों समझ में आ गया, आप कैसे फाइंड करेंगे। चलिए यस सर, मोस्टली बताइए, समझ में आया आपको कैसे फाइंड करेंगे ये, हाउ टू फाइंड डेटा पोजिशन, तो की करे उठा इक्विवेलेंट मास फाइंड करे जावे। हाँ हाँ सर, चलिए देख, अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से किसी का भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोलूंगा, लिख पाओगे आप लोग, नहीं लिख पाओगे, तो बेटा यहाँ पे काम होता है इक्विवेलेंस का। अब आई बात समझ में, क्या बोला था, बैलेंसिंग नहीं रिक्वायर्ड चाहिए। अब बेटे बता दो, 3 कर लोगे आप लोग, 3 मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ इसको, वो एक्चुअली 9.4 ग्राम है मेटल ऑक्साइड, ये 9.4 है, ये मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ, ये 9.44 ग्राम है। कर लोगे यस नो बोल दो तो मैं आगे चलूंगा। मेटल ऑक्साइड फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 5 ग्राम अगर मेटल होगा तो उसमें 4.44 ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन को होगा कि नहीं। तो यस वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8 करोगे तो इक्विवेलेंट मास नहीं आ जाएगा। सर, हाँ सर, यही बात समझ में, ये क्वेश्चन। अब देखो अब जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन उसको देखना, एक क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ देखना, ये जो क्वेश्चन था आपका उसी के थ्रू बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन सब रखा हूँ मैं, एक चीज देखो कौन सा क्वेश्चन थे, देखने दो वो क्वेश्चन, ये देखो एक चीज इक्विवेलेंट का मैंने अभी बनाया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ लास्ट का था, 1 मिनट रुको बैठिए। अब ये बताना आप, इसमें एक और क्वेश्चन मैंने लाया था, देखो कहाँ गया क्वेश्चन वो, बहुत अच्छा क्वेश्चन थे। हाँ ये था आपका, ये था, चलो लॉग पीओसी का, ये लॉग केमिकल इक्विवेलेंस का था, मैंने 2 क्वेश्चन बताया। अब आइए अब जो बताने जा रहा हूँ सुनना सुनना पहले आप, लिखो फैट्रेशन। सुनो होता क्या, फैट्रेशन जब होता है, फैट्रेशन का मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ, लेकिन फैट्रेशन का टॉपिक जो होता है ये रियली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज आयनिक इक्विलिब्रियम में आई विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिकेटर,
इंडिकेटर जो होता है फेनोफ्थैलिन होता है, मेथाइल ऑरेंज होता है, ये सब कहाँ पे कैसे काम करता है विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आयनाइजेशन इंडिकेटर का थ्योरी या आपका आयनिक एक्वेरियम है, वहाँ पे आप डिटेल से जो एडवांस के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, नीट के बच्चे के लिए वो टॉपिक नहीं है, लेकिन नीट के बच्चे के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर का होना चाहिए। क्वेश्चन आता भी है, जेई मेन में भी आता, नीट में भी आता, जेई एडवांस में आता, वो डिटेल में। ये टॉपिक एक्चुअली हाई आपका आयनिक एक्विलिब्रियम का, आयनिक एक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको इंडिकेटर थ्योरी, कहाँ पे फेनोफ्थेलिन होता है, कहाँ पे मिथाइल ऑरेंज होता है, ब्रोमोफेनॉल कैसे लेते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करता है, कितना पीएच चेंज पे इंडिकेटर का कलर चेंज करेगी, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई विल गिव इन द आयनिक एक्विलिब्रियम। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो पैकेज हम लोग दिए यहाँ पे जे एडवांस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें टाइट्रेशन डबल टाइट्रेशन का थोड़ा इंडिकेटर का थ्योरी दे दिया ये, तो बेटा वो इंडिकेटर थ्योरी में कितना भी अभी बोलता तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए बेटा उस टॉपिक को भी ड्रॉप कर दो। आई बात समझ रही, मैं बता रहा हूँ जो भी नीट के ये आपका जेई एडवांस के लिए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, वो अभी बेटा फेथ रखो मेरे पे, वो ड्रॉप कर दो, मैं आपको जैसे आने की भी पढ़ाऊंगा वहाँ पे रिवर्स बैक करके मैं सारा टॉपिक वो क्लियर करवा दूंगा आपको। इसलिए ना टेस्ट में आपको देने वाला क्वेश्चन कहीं भी टेस्ट रिज्वाइन करो, इस चैप्टर में अभी वो क्वेश्चन नहीं देगा आपको। अब वो कौन सा पार्ट है वो कुछ नहीं करना, पैकेज लेके आप चले जाना, जिस दिन ऑफलाइन सेंटर पे आओगे मैं वो टॉपिक वो दिखा दूंगा, उसको मैं पेंडिंग करके रख दूंगा, आपको बोल दूंगा अभी मत देखो ये। आई बात समझ में जी? आप समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? यस सर, क्योंकि अभी कहीं भी जाओगे कहीं नहीं पढ़ाते ये टॉपिक, लेकिन एसिड बेस साइटेशन का मैं एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या दिखा रहा हूँ। जब स्कूल में जाओगे ना तब कुछ ऐसा ब्यूरेट आपने देखा होगा, स्कूल लैब में देखा हो कि नहीं बताइए, ऐसा सेटअप देखा होगा आपने, हाँ पाइपेट सर, होता है, पाइपेट होता है आपने, पाइपेट देखा होगा आपने, स्पैचुला देखा होगा आपने, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर देखा होगा आपने, ब्यूरेट देखा होगा आपने, टेस्ट ट्यूब फ्लास्क देखा होगा आपने, वहां पे देखो टेस्ट ट्यूब जो होता है कॉनिकल फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क देखा होगा आपने, चाइना डिश देखा आपने, पोर्सलिन प्लेट देखा होगा आपने, बंसन बर्नर देखा होगा, सब देखा होगा आपने, देखे हो कि नहीं बेटा बताइए। तो उसमें क्या होता है देखो, यहाँ पे एक देखो मैं फिगर डाउनलोड करके लाया, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये सब होता है, ये सब सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं इसमें कैसे कैसे स्टेप होता है, ये सब होता है, लैब में जाओगे तो देखोगे। अब क्या होता है इसमें देखना है कि इसमें देखना है यहाँ पे फाइनल रीडिंग यहाँ पे बोल रहा है ये, और ये देखो कुछ यहाँ पे हेडिंग दिया होगा ब्यूरेट, लिखा है कि नहीं ब्यूरेट, देखो आप बताओ यस सर, ब्यूरेट में क्या होता है कि ऐसे जब जाओगे तो एक ब्यूरेट स्टैंड होता है, लैब में जाओगे लैब में देखेंगे ये सब, एक ब्यूरेट स्टैंड होता है ऐसे, एक ऐसे देख लो यहाँ पे ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट, ये ब्यूरेट, इसमें देखना मार्किंग होगा, देख लो मार्किंग है कि नहीं, यहाँ पे मार्किंग है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रख देते हैं, आप बोलोगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो बेटा क्या होता है एक सॉल्यूशन के बारे में अगर सारा इंफॉर्मेशन आपको पता है, मतलब मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना है उसमें, मास परसेंटेज कितना आपका, उसका मोलर कंसेंट्रेशन क्या है, वो किसका सॉल्यूशन है, अगर ये पता आपको तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? हाँ सर, ये ब्यूरेट में हम लोग फील करते हैं, लोग क्या फील करते हैं ब्यूरेट में, जब भी बोलेगा आपको फील करने के लिए तो उसमें हम लोग किसको रखते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन को, किसको रखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और ये यहाँ जो लगते हैं हम लोग ड्रॉपर से जो सोल्यूशन देते हैं ये अननोन सोल्यूशन रहता है। अननोन सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि आपके लिए क्या पता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन उसके लिए नहीं पता, सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं ड्रॉ नहीं करना आपको, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्कूल के लैब में जाके देखेंगे आप लोग अपने अपने भाग में आ जाएगा, प्रोसेस क्या होता है मैं प्रोसेस जो होता है वो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है ये अननोन सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसका क्या होगा ये नहीं पता आपको, अननोन सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ये आपको नहीं पता। तो बेटा मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का सोल्यूशन है, मेरे को पता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सोल्यूशन, ये पता है मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, मान लो एक सोडियम, मान लो कि ब्यूरेट में यहाँ पे सुनो ये जो ब्यूरेट होता है, ये ब्यूरेट में मान लो मैंने 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मैंने दे दिया, तो बेटा बता दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन पता है कि नहीं आपको? हाँ सर, हाँ सर,
आप देखो 0.1 मोलर अगर बोल देंगे तो आप आंख बंद करके बोल दोगे नहीं 0.1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 0.1 मोल का मतलब कितना होगा, 4 ग्राम आपने कहाँ पे डिजॉल्व करके रखा 1 लीटर में, तो बताइए। जब सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन आपके लिए नॉन सॉल्यूशन है क्या नॉन सॉल्यूशन है वो? नॉन सॉल्यूशन है मतलब आप जानते हो सारे बारे उसके बारे में। अब क्या होता है कि जो कॉनिकल फ्लास्क देखते हो इसमें, ये कॉनिकल फ्लास्क में अननोन सोल्यूशन दे देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने फील कर लिया, यहाँ पे मैंने फील कर लिया यहाँ पे HCl एक्वस सोल्यूशन। अब इसका मोलर कंसेंट्रेशन क्या, मोलरिटी क्या, मोलरिटी क्या, मान लो कि मैंने 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ HCl एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया, अब मोलरिटी क्या होगा ये मेरे को फाइंड करना है। सर अननोन सॉल्यूशन मतलब इसका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वो सब नहीं पता है क्या? वो नहीं, हाँ तो वही बता रहे हैं कि अननोन सोल्यूशन जो आपका, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, लेकिन उसमें कितना लेंगे वो मेजरिंग मेजर हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? देखो पाइपेट से जो दे रहे हैं हम लोग, तो पाइपेट में जो रीडिंग रहता है तो उसमें कितना मिल देंगे वो तो पता है मेरे को। हाँ हाँ सर, आप बताइए, यहाँ से कर दिए थे, देखो मैंने यहाँ पे पाइपेट से मैंने उस फ्लास्क में 25 ml HCl डाल दिया, लेकिन HCl का कंसंट्रेशन आपको पता करना है। आपको क्या पता करना है बेटा, यहाँ पे HCl का कंसंट्रेशन पता करना है, HCl का कंसंट्रेशन नहीं पता, आपको पता करना है। आपको किसका कंसंट्रेशन पता है वहां पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो लैब में जब गए आपने, तो लैब में गए तो आपको टीचर ने आपको टारगेट सेट कर दिया कि ये सॉल्यूशन लो HCl का इक्वल सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन मेरे को बताओ। तो जब बेटा HCl लोगे कंसंट्रेशन, तो पाइपेट को क्या करते हैं हम लोग, रिंस करते हैं हम लोग HCl के सॉल्यूशन से पाइपेट को, बहुत रिंस करते हैं हम लोग। रिंस करने के बाद उसको HCl के सॉल्यूशन लेके हम लोग कंडेंसर उसमें क्या करते हैं, क्रॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ब्यूरेट जो स्टैंड लेते हैं, ब्यूरेट में हम लोग फील कर लेते हैं हम लोग, उसको भी रिंस करते हैं हम लोग, अब फील कर लेते हैं वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि रीडिंग एक्यूरेट है, इसीलिए हम लोग 2-3 बार उसको डीप कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन, उसके बाद फील करते हैं। तो बेटा बता दो अननोन सोल्यूशन कहाँ पे आपका, नीचे फ्लास्क में, अननोन सोल्यूशन जिसका कंसंटेशन आपको पता है वो कहाँ पे, ब्यूरेट में। मेरी बात समझ में आ रही, कहाँ पे सोल्यूशन क्या रखा रहता है। यस सर। अब देखो आप क्या होगा, मोलरिटी किसका फाइंड करना है आपको, HCl का। बेटा खुद से बता दो, HCl कलरलेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी कलरलेस होगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्यूरेट से दोगे हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो कहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपने लिया तो वो कंप्लीटली रिएक्ट किया या नहीं किया, वो तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ कर किसी का हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, आपको बताइए। यस सर। उसके लिए यूज होता है इंडिकेटर, उसके लिए क्या यूज होता है बताओ, इंडिकेटर। मतलब HCl को देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये कब से दे रहे हैं देख देख रहे हो यहाँ पे आप, तो एक चीज यहाँ से इंडिकेटर दे रहा हो, ये जो ड्रॉपर होता है ड्रॉपर से इंडिकेटर डाल दिया उसमें, किसमें, HCl के सोल्यूशन में। देखो जैसे जैसे सोल्यूशन हो गया, जैसे वो HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो पिंक कलर आ गया कि नहीं यहाँ पे, यस सर। ये होता है फेनोप्थेलिन का काम, फेनोप्थेलिन का पिंक कलर आ जाता है। आप बता दो जैसे ही पिंक कलर आ जाता है तो ये समझ में आ गया हमको कि HCl जितना आपने लिया था पूरा का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड ने उसको कंज्यूम कर लिया, मतलब रिएक्ट कर गया। और जैसे HCl वहां पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो वहां पे इंडिकेटर अपना जलवा दिखाने लगेगा, उसका कलर पिंक हो जाएगा वहां पे। सर इंडिकेटर का भी क्या कुछ अमाउंट का मतलब ये पड़ता है? नहीं, बेटा क्या होता, सुनिए बता रहे हैं, जो फर्स्ट फिगर है देखिए आपने की, फर्स्ट फिगर पे ये, तो फर्स्ट फिगर में क्या किए हम लोग, पाइपेट ले लिए, पाइपेट हाँ से देखो यहाँ पे एसिड सोल्यूशन डाल रहा है कि नहीं, देखो एसिड सोल्यूशन, तो मान लो एसिड सोल्यूशन, मान लो कि HClH2SO4 था, उसका सोल्यूशन का मोलरिटी मेरा काम का इंटेंसर मेरा फाइंड करने का। अब सॉल्यूशन ने मैंने 25 ml ले लिया, और उसमें इंड पॉइंट को मतलब कि HCl कंप्लीटली कंज्यूम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, उस इंड पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिकेटर डाल दिया। मतलब हाँ डेली लाइफ में भी कुछ काम करते हो, कुछ काम करते हो तो कुछ आप एक ऐसा कुछ रेफरेंस पॉइंट लेते हो ना, उसके बाद बोल देते हो ना कि ओ दैट जॉब कंप्लीट हो गया आपका, ये होता कि नहीं पता आप लोग।
कुछ भी काम कर दो, कुछ भी सर्किट, जैसे मान लो कि एक रनर होता है, जैसे आपका मान लो कि ये होता है, जैसे एक स्टॉप वॉचर लगा तो स्टॉप वॉच लगा तो ये रनर होता है, ट्रैक होता है, कहीं पे गेम होता है, ओलंपिक में एथलीट से इतना जाता है तो वहां पे कुछ होता है ना, एक फिनिशिंग होता है ना कि इस पॉइंट पे जाके फिनिश हो गया आपका गेम। बताओ, मतलब यस 100 मीटर या 500 मीटर हो तो उसको एक टारगेट जो सेट किया जाता है बेटा, तो जहां से स्टार्टिंग होता है, एक एंड पॉइंट होता है कि नहीं वहां पे, यस सर तो जब आप जब ब्यूरेट से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो आज न कल तक कंप्लीटली रिएक्ट कर ही जाएगा ना उसके साथ, यस सर तो वो जो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा तो उसके बाद इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इंडिकेटर का कलर जैसे चेंज हो जाएगा तो ब्यूरेट से मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन को स्टॉप कर दूंगा, अच्छा स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ पे फाइनल रीडिंग है कि नहीं आपका, देखो फाइनल रीडिंग भी है कि नहीं बेटा, देखो यहाँ पे सर इनिशियल रीडिंग दिया है, यहाँ पे फाइनल रीडिंग दिया है, तो इनिशियल फाइनल का डिफरेंस से ये फाइंड कर लूंगा ना कितना वॉल्यूम मैंने HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे यूज किया। हाँ सर अब बेटा बता दो कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम का रीडिंग लेके मैं इसका बीच का डिफरेंस अगर फाइंड कर लूंगा तो वॉल्यूम कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का लूंगा वो मैं फाइंड कर लूंगा, और यस सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंसेंट्रेशन मेरे को पता है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो इक्वेलेंस पॉइंट तो आ जाएगा वहां पे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो इक्वेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे कि नहीं आप, हाँ सर और इक्वेलेंट के इक्वल होगा तो नॉर्मलिटी क्या होगा, N1V1 इक्वल N2V2 हो जाएगा। हाँ सर अब बताओ बेटा मोलर कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगा कि नहीं अगर वॉल्यूम दोनों का दिया रहेगा, देखो फिर से बता रहा हूँ आपको, इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं हम लोग इंडिकेटर, एसिड या बेस हो या क्या नहीं वो फिगर आउट करने के लिए देखिए इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 500 मीटर का डिस्टेंस, 5 मीटर का आपने सेट कर दिए, आज जैसे 500 मीटर वो एथलीट्स अपना रन कर लिया तो उसका फिनिशिंग लाइन होगा वहां पे, कर को इसका तो कितना भी दौड़ते रहोगे कंसिडर किया जाएगा उसको, नहीं किया जाएगा बता दो, तो टाइट्रेशन में क्या होता है कि इंड पॉइंट मतलब जो आपने रिएक्टेंट लिया, दो रिएक्टेंट दोनों को कंबाइन जो करवा रहे हो तो उसको इंड पॉइंट मतलब कंप्लीटली कंबाइन जब कर लिए दोनों, तो इंड पॉइंट को दिखाने के लिए हम फाइंड करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं हम लोग, किसका हेल्प लेते हैं बताइए आप लोग, इंडिकेटर सर इंडिकेटर। तो टाइट्रेशन का थ्योरी समझ में आए कुछ, बताइए आप लोग। सर बताइए सर लास्ट फिगर में वो सोल्यूशन पिंक कलर हो गया, तो इसका मतलब पूरा ही बेस जो लिया था वो एसिड से रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सोल्यूशन मिला, तो नहीं इसका नहीं 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 मतलब सुनिए बता, फिर से न्यूट्रल बता रहा हूँ, देखिए फिर से बता, हम देखिए यहाँ पे ब्यूरेट में आपने किसको रखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और नीचे किसको रखा था, हाइड्रोजन क्लोराइड को, ब्यूरेट का देखो यहाँ पे होल्डर है, होल्ड करके रखा ना, ये होल्डर है ना, होल्डर रहता है, उस होल्ड को क्या करोगे, नॉब को ओपन कर दोगे, जैसे ओपन करोगे तो क्या करेगा बेटा बताइए, वहां से क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे नीचे आएगा ड्रॉप वाइज डाला जाता है, एक साथ नहीं खोला जाता, ड्रॉप वाइज आता है वहां पे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रेजुअली किसके साथ रिएक्ट करते चला जाएगा, HCl के साथ, हाँ सर और HCl के साथ जैसे बेटा रिएक्ट कर जाएगा तो आज ना कल तो वो कंप्लीटली HCl को कंप्लीटली खत्म कर देगा, तो हाँ सर जो HCl आपने यूज किया था वो कितना अमाउंट था नहीं था, लेकिन जब कंप्लीटली वो कंज्यूम हो जाएगा तो वहां पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जाना बंद करो, क्योंकि HCl वहां पे कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। सर मतलब सर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में इंडिकेटर में पिंक कलर देंगे वही यस आप खुद से सोचिए कि कोई भी काम जब करवाते हैं हम लोग तो आप क्या करते हैं, एक टाइमिंग या कुछ फिक्स कर देते हैं, जैसे वो टाइम पास आ जाता है उसका तो स्टॉप कर देते हैं कि नहीं काम करना, हम लोग बताइए कुछ भी करते हैं तो
जैसे मैंने बोला एथलीट्स होता है या कुछ भी गेम खेलते हो बेटा, एक टाइमर लगा रहता है, वो उस टाइम के बाद आपका क्या होता है, आप कुछ भी कर लो उसको काउंट किया जाता नहीं। एग्जाम में 3 आवर फिक्स होता है, 3 आवर के बाद आप कितना भी पेपर सही करके जाओ, कोई काउंट करेगा आपको पेपर को? नहीं, क्योंकि विद इन 3 आवर पेपर सबमिट करके दो, उसके बाद आप कितना भी एक्यूरेसी के साथ बना लो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, इंडिकेटर होता है कि इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट उसी को बोलते हैं, मतलब कि एसिड बेस कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। बताइए दिल्ली को यहाँ पे एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है उसमें टाइट्रेशन में? मीन्स एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। आई बात समझे? इक्विवेलेंस का पॉइंट का मतलब, इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? यस सर, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपने एक क्वेश्चन दिखाया था वहां पे कि न्यूट्रलाइज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देना, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। देखो एंड पॉइंट, ये इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय बेस। इसका मतलब हो कि एसिड अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय बेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस होगा कि नहीं? यस सर। आप बेटा बताओ, तो इक्वलेंट ऑफ एसिड अगर इक्वलेंट ऑफ बेस होगा, हम लोग बोल सकते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। नॉर्मलिटी अगर हम लोग एसिड का लेंगे, N2 अगर नॉर्मलिटी बेस का लेंगे, और नॉर्मलिटी मोलरिटी से कैसे रिलेट होता है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ से अगर मान लो नॉर्मलिटी को मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करके मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो किसी के एक मोलर कंसेंट्रेशन के, नहीं, नॉर्मलिटी का रिलेशन जो बताया था आपको, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था आपका? बताइए, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर था कि नहीं? बताइए। हाँ सर, हाँ, तो तले आप खुद से बोलिए, अगर किसी का यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन जैसे लिए थे यहाँ पे, इसका एन फैक्टर 1 लेंगे, अब यहाँ पे एन फैक्टर को यहाँ पे पुट कर देंगे सबका, और सबका वॉल्यूम कितना लिए, फाइनल रीडिंग यहाँ पे ले लेंगे, और फिर वहाँ कितना वॉल्यूम लिए तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? मोलर कंसेंट्रेशन ही फाइंड हो सकता है। यस सर, समझ में आई एसिड बेस सैचुरेशन के इक्वलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्वलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखिए, एक ही पॉइंट याद रखो, इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस। प्रीतिम समझ में आपको क्या बोला मैंने? इक्वलेंस पॉइंट का हाँ सर, मतलब सिंपल थ्योरी कि इक्वलेंट का मतलब होता है इक्वलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट जो भी बोलो, मतलब ये होता है कि जो ब्यूरेट से आपने जो फ्लास्क में लिए थे वो सॉल्यूशन दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, उसका मतलब होता है एंड पॉइंट। तो वहां पे दोनों का इक्वलेंट क्या होता है? सेम होता है। क्वेश्चन दिखाओ आपको, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। देखो 6.3 ग्राम ऑफ ए डाई बेसिक एसिड्स, अब तो डाई बेसिक एसिड होता है एन फैक्टर कितना हो गया? टू इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय हंड्रेड एम एल ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। फाइंड द मॉलिकुलर मास या फाइंड द मोलर मास ऑफ एसिड। अब बताओ बताओ, 6.3 ग्राम ऑफ डायबेसिक एसिड ले इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब आपको फाइंड करना मोलर मास या मोलर मास ऑफ एसिड फाइंड करना है, तो आप कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन का बात किसका मतलब कहाँ पे वर्क करो, इक्वलेंस पॉइंट पे करो या बिफोर इक्वलेंस पॉइंट? सॉरी, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस
बेस देखिए कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे सीधा बोल देंगे कि इक्वलेंट इक्वलेंट ऑफ ए सीड मस्ट बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस। बेटा ये टर्म जैसे ही देखोगे ना, ये टर्म न्यूट्रलाइजेशन का, तो समझना कि इक्वलेंस पॉइंट है, समझ में आ जाएगा एसिड बेस के रिएक्शन में। इक्वलेंस पॉइंट का मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब बताइए क्या होगा, एम बाई ई होगा, इसमें क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल करेंगे, ये लीटर करेंगे, बताओ एसिड का क्या दिया था, अमाउंट दिया था या मोलर कंसंट्रेशन नॉर्मल दिया था, अमाउंट दिया था। किसी भी यस सब्सटेंस का सर, अगर अमाउंट अमाउंट देगा तो उसके इक्विवेलेंट में कैसे फाइंड करोगे, गिवन मास में इक्विवेलेंट मास, और किसी बेस का या एसिड का अगर मोलर कंसंट्रेशन देगा और वॉल्यूम देगा तो उसको इक्विवेलेंट में कैसे फाइंड करोगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यस सर, तब बताइए नॉर्मेटिव वॉल्यूम लीटर जब करेंगे बेटा यहाँ पे, तो इक्वलेंट मास कितना हो जाएगा, 6.3 अपॉन ई कर दिए, और नॉर्मेलिटी कितना है यहाँ पे, 0.1। बताओ नॉर्मेलिटी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होता है, 1। मोनो एसिडिक बेस है ये, ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म यू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एज एन फैक्टर 1। इफ यू आर टेकिंग देन फैक्टर 1, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या होगा उसका, इक्वल होगा। वॉल्यूम लेंगे आप लीटर में तो 100 बाई क्या कर देंगे, 1000। बेटा बताइए कितना रहा आपका इक्वल मास यहाँ पे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, सिक्स थ्री जीरो जीरो आ रहा है, चेक करो। सर 6:30 आ रहा है। 6:30 आ रहा है, देखो तो, नहीं, अब देखो यहाँ पे 6.3 है यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इधर चला जाएगा, 10 इधर 10 कर देंगे तो 6:30 आ जाएगा, 6:30 आ जाएगा। अब बताइए एन फैक्टर बेटा कितना है यहाँ पे, 2। तो बताओ एन फैक्टर अगर 2 होगा तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू इक्वल मास, बताओ क्या हो जाएगा, 1260 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मोलर मास। यस सर, अब ये बताइए यस इस क्वेश्चन, अब ये बता दो इस क्वेश्चन जब करने गए हम लोग तो रिएक्शन कहीं लिखे हैं, बताइए आप लोग, नहीं। अब क्यों किए, मैंने दोनों के इक्वलेंट क्यों किए, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का टर्म दे दिया था कि नहीं वहां पे, बताइए। तो जब यस सर, कंप्लीट का बात करेगा, और तब हमें से याद रखना बेटा, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का बात करेगा इसका मतलब इक्वलेंस पॉइंट पे काम करवा रहा है, और इक्वलेंस पॉइंट पे जब काम करवाएगा तो दोनों के इक्वलेंट को इक्वेट कर देना, किसी का भी अगर कोई भी चीज मिसिंग रहेगा, चाहे उसका इक्विवेलेंट मास मिसिंग रहेगा, चाहे उसका मोलर कंसंट्रेशन मिसिंग रहेगा, चाहे उसका एन फैक्टर मिसिंग रहेगा, तो फाइंड कर सकते कि नहीं हम लोग। यस तो चलिए अरे समझ में आ गया, ये बताइए आप लोग ट्रांसलेशन का ये पार्ट समझ में आ गया कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, अब देखो अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक को आगे प्रोसीड करूंगा, आगे एक टॉपिक और पूछूंगा, देखता हूँ पहले ही इसको टॉपिक पे काम करवाने दीजिए। देखिए देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसमें स्पेसिफिक वायरस का ये भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था ये, यस देखो यहाँ पे, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये दोनों में से कोई भी करवाएंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लाया था, ये भी करवाएंगे आपको नॉर्मेटिव सॉल्यूशन। यस आप एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन बनाइए 3 या 4 जो भी होगा, बताओ नॉर्मेटिव पेस्टोसोपोरिन द सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग
100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विथ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एट्रोक्साइड। नहीं बेटा, रुको रुको रुको, इसको काम करवाने दो, कंप्लीटेशन का। अच्छा ये बताइए, फोर बताइए, ये बताओ, फोर जो दिया, थ्री पे वर्क करो, थ्री पे मैं काम करवाऊंगा आपको। डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स दिया है पे 1.21 kg/L, मोलर मास दिया वहां पे। द वॉल्यूम ऑफ इट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 25 ml 0.24 मोलर सोडियम एडोक्साइड इज, मतलब किसी सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब 1.21 kg आपने कहाँ पे डिजोल्व करके रखा, उसको 1 लीटर में। बेटा 1.2 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करके 24.2 से अगर डिवाइड कर दो तो मोल पर लीटर आ जाएगा कि नहीं वो? मैंने क्या बोला, ये क्या बोल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है आपको, बताइएगा पहले बताइए। देखो ये बोल रहा है आपको 1.21 kg ऑफ एसिड डिजॉल्व इन 1 लीटर। तो बता दो एसिड अगर उतना डिजॉल्व है 1 लीटर, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स कितना होगा बेटा बताइए। तो 1.21 × 10³ अपॉन ये 24.2, बेटे ये कितना रहा, चेक करो। ये जहाँ तक मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसको अगर ट्रू करेंगे, तो ये 2 50 आ रहा है कि नहीं, तो ये 2 हो जाएगा, 50 आ रहा है बेटा बता दो। यस 50 मोलर आ रहा है कि नहीं ये बताओ। सर, अब ये बता दो एसिड का मोलर कंसंट्रेशन मैंने फाइंड कर लिया, अब एसिड का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है जो चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, किसके लिए, 25 ml ऑफ 0.24 मोलर किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब बताओ क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, यस सर, अब फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब कहाँ पे वर्क करवा रहा है आपसे, इक्वलेंस पॉइंट पे या बिफोर इक्वलेंस पॉइंट पे। इक्वलेंस पॉइंट पे तो इक्वलेंट मास पे क्या करेंगे, इक्वलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू हो जाएगा इक्वलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बताइए इक्वलेंट ऑफ एसिड जाएंगे तो इक्वलेंट क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड है तो फैक्टर बेटा कितना हो जाएगा, 1 N2B2। क्या निकालना है यहाँ पे, B1 निकालना है या B2 निकालना है, V1 B1। तो N1 कितना लिखेंगे, 0. ये क्या करेंगे, 15:1 कर देंगे कि नहीं यार, B1। N2 कितना लेंगे, 0.24 दिया है वहां पे, N2 क्या करेंगे आप वहां पे देखो, 25 को 1000 के डिवाइड कर देंगे, अगर मैं 25 को 1000 से डिवाइड नहीं किया, 25 ही रखा था, बताओ तो B1 किस में आएगा, ML में या लीटर में, एमएलए ML में, एमएलए रीजन ML में, कि रीजन क्या, देखो इसको अगर ML में रखेंगे तो ये भी ML में आ जाएगा, अगर इसको रखेंगे लीटर में तो ये भी लीटर में आ जाएगा, ये तो ऐसे ही कंसील है आपका। आप बताओ तो B1 कितना रहा आपका ML में, 0.12 मोलर आ रहा है कि नहीं, ML आ रहा है कि नहीं, बेटे 12 × 10 का माइनस 2 ml बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो ये जो बेटा मिसिंग है यहाँ पे 12 हो जाएगा कि नहीं। आप ये बताओ कोमलली कि क्वेश्चन लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे मैं बना रहा हूँ इक्वेलेंस पे। यस आप देखो ना बेटा यहाँ पे, सर, आप एक काम करो, यहाँ पे एसिड जो दिया था, एसिड क्या था उसका मोलर मास दिया था, लेकिन एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया गया था, इज इट पॉसिबल टू राइट द केमिकल इक्वेशन, नहीं करवा पाओगे। आप केमिकल इक्विवेलेंस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा याद रखिएगा, केमिकल इक्विवेलेंस नहीं कर पाएंगे आप।
सर ये म्यूट है। बताइए क्या था, अभी बता दो आप। क्वेश्चन में ये कहीं भी एसिड के बारे में नहीं लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इज इट पॉसिबल टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नो। तो समझ में कुछ आइडिया लगा आप कैसे करोगे? यस सर। चलिए बेटा ये कर लोगे आप लोग ये। फॉस्फिनिक एसिड का मतलब मैं लिख रहा हूँ, फॉस्फोनिक एसिड का मतलब होता है H3PO2। आप बता दो फॉस्फिनिक H3PO2 होगा तो एन्ट्रैक्टर कितना लेंगे आप? वन यस 1 लेंगे इसका। अब बताओ एन्ट्रैक्टर अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे एन्ट्रैक्टर लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या दिया, नॉर्मलिटी दे दिया ना आपको, यस सर। तो नॉर्मलिटी देगा तो इक्वलेंट का मतलब ही नहीं है। आप बताओ कितना जगह वॉल्यूम कितना लेंगे, बता दो 10 ही आएगा कि नहीं? हाँ सर। तो देखो कितना इजी, यस सर। बताइए आर्यन समझ में आ गया? हाँ सर। अब बताइए किन्हीं को मोलसिन बता रहे थे, तो इधर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हाँ सर। तले इधर एकदम सिंपल थ्योरी है कि सबके इक्विवेलेंट को इक्वेट करते चलो जी। इक्विवेलेंट जैसे बेटा ये टर्म देगा ना तो बल्ले बल्ले एकदम डांस करने लगना एग्जाम में, बल्ले बल्ले न्यूट्रलाइजेशन मतलब बल्ले बल्ले दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो, कर लेंगे। और सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूट्रलाइजेशन जैसे बोल देगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। अब क्या होगा इसमें कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने जाओगे बताइए, तो ये सब क्वेश्चन नहीं कर लोगे आप लोग? अगर ये सब क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ कर नहीं लोगे आप लोग खुद से? अरे मोल फाइंड करके मिली मोलर बोल रहे तो 1000 का टर्म यू नहीं कर पाए थे, नहीं कर लोगे उससे? সেন নিউট্রালাইজেশন যখনই বলবো ওটা কমপ্লিট ধরতে হবে তো। হ্যাঁ নিউট্রালাইজেশন মানে কমপ্লিট রিয়েকশন হয়ে গেছে, তার জন্য ওটা ইকুয়ালেন্ট কি হয়ে যাবে, সেম হয়ে যাবে। এক সিম্পল থিওরি বতা রহা হুঁ, আগর মান লো কি কহীন পে আপনে এসিড লিয়া বেস লিয়া উসকো আগর মিক্স করেঙ্গে, আগর কমপ্লিট নিউট্রালাইজেশন কিয়া তো এই দোনো কে ইকুয়ালেন্ট কিয়া হোনা চাহিয়ে, সেম হোনা চাহিয়ে, তবে না নিউট্রালাইজ কর পায়েগা। লিখো এক থিওরি লিখো, ইয়ে সব পতা হোনা চাহিয়ে, থিওরি মে মতলব কি লিখ দেতা হুঁ, পতা হো জায়েগা আপকো, লিখো नोट करके लिखो। व्हेन इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का ही बात करूंगा अभी, इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। याद रखोगे ये, मतलब उसका पीएच आप फाइंड करेंगे 7 हो जाएगा। मैंने बोला इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस अगर हो जाए तो वहां पे हमेशा रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक नहीं, वीक लेंगे तो उसका कंडीशन इक्विलिब्रियम पड़ाएंगे। अभी याद रखना है ये सब पूरा, इन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल देना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जिन्हें बताइए अगर दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो गया तो आप सॉल्यूशन का पीएच क्या, सॉल्यूशन क्या बोलोगे, न्यूट्रल बोलोगे। यस सर। आप वहां से कभी नॉर्मलिटी आपसे नहीं पूछेगा सॉल्यूशन का, कभी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि सॉल्यूशन जब न्यूट्रल होता है तो नॉर्मलिटी का मीनिंग ही नहीं होता। आपने बोला था सर अभी तो नॉर्मलिटी आपने फाइंड किया, अरे बेटा वो किसी एक एसिड या बेस का मैंने फाइंड किया था। जैसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलेगा तो इक्विवेलेंट दोनों के इक्वल होना चाहिए, दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। बेटा आप एसिड बेस को मिक्स करोगे पीएच आपका 7 आएगा तभी ना न्यूट्रलाइजेशन बोलोगे, अगर एसिड या बेस को एक्सेस रहेगा तो पीएच का भी 7 आने वाला है आपका, बताइए।
नो सर। नो, समझ में आई है। अगर मान लो कि वेन इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मैं बोल रहा हूं आपको इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज ग्रेटर देन इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन इक्वेलेंट ऑफ बेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक के बेसिक होगा, एसिडिक। अब बताओ किसका इक्वेलेंट ज्यादा? एसिड का एसिड बस एसिड इक्वेलेंट ज्यादा रहेगा बेस से, तो वो हमेशा हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा सुनिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या पूछेगा। आप क्या करना है, N1V1 ये इक्वेलेंट लेना किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब माइनस N2V2 ये इक्वेलेंट किसका लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का। मतलब एसिड माइनस बेस या बेस माइनस एसिड करेंगे, एसिड माइनस एसिड माइनस बेस करेंगे। अब सीधा यहां से नॉर्मेलिटी मिक्सर फाइंड कर लेंगे, अब वालो मिक्सर आपका V1+V2 हो जाएगा। और एक चीज सबसे पहले बता बता दो आपको, ये नॉर्मेटिव मिक्सर जो फाइंड करोगे वो इक्वेलेंट हो जाएगा आपका H+ कंसंट्रेशन इन द मिक्सर। अब बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आंख बंद करके क्वेश्चन बनाओ, कभी रॉन्ग होने वाला नहीं है आपका। इक्वल नहीं लिखा मैंने, इक्वेलेंट लिखा। नॉर्मेलिटी अगर 0.1 नॉर्मल होगा तो H+ कंसंट्रेशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा 0.1 मोलर। क्यों होगा वो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसका। तो बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अगर एसिड ज्यादा होगा तो नॉर्मेलिटी अगर पूछेगा तो आपको नहीं फाइंड कर लेंगे आप। सर यहाँ पे एन मिक्सचर इक्वल्स टू एच प्लस मिक्सचर का मतलब समझ में नहीं आ रहा। इक्विवेलेंट है बेटा, इक्विवेलेंट का साइन है, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ। ओके सर। अब ये कैसे होगा वो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। थ्री थर्ड पॉइंट लिखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो व्हेन इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेस देन इक्वेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब बताओ तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। बेसिक क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो यहां पे क्या करेंगे आप, एसिड माइनस बेस करोगे, बेस माइनस एसिड करोगे, बेस माइनस माइनस एसिड एसिड। N1V1 लीजिएगा स्ट्रॉन्ग बेस, कहीं पे क्या होगा दो एसिड लेगा और एक बेस लेगा, तो एक बेस का फाइंड कर लेना, दोनों एसिड का ऐड कर देना, उसके बाद देखना किसका ज्यादा रहा। तो ये सब भी पूछता है, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। N2V2 ये किसका लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये होगा नॉर्मेटिव मिक्सर, ये होगा वॉल्यूम मिक्सर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखना, बेसिक सॉल्यूशन है तो नॉर्मेटिव मिक्सर जो आएगा उसको हमेशा इक्विवेलेंट कर देंगे OH माइनस के कंसंट्रेशन से। यहाँ पे OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो कि नहीं सॉल्यूशन में, बेटा बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH माइनस कंसंट्रेशन होगा, तो उसका फाइंड कर सकते कि नहीं आप नॉर्मेलिटी से। अब बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे आप, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस देन एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस देन ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेसिक। क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको, सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ओरली आपको, उसके बाद वो कंपटीशन का दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सब ओके क्वेश्चन है वो सब, नीट का भी एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसका भी एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जेई का भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। लिखिए क्वेश्चन पहले लिखिए, 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 इज मिक्स्ड विथ 100 ml ऑफ 0.2
मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। अब बेटा ये बता दो, मैंने कहीं न्यूट्रलाइजेशन का टर्म यूज किया? कंप्लीट न्यूट्रलाइज या ऐसा कुछ टर्म यूज किया? नहीं। फाइंड नो सर, द नॉर्मेलिटी। एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। एक चीज बेटा याद रखना, अगर एच प्लस का मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना, तो वहां पे एसिड ज्यादा होगा। अगर बेस का ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन पूछेगा ना, हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस, तो समझ लेना वहां पे बेस ही ज्यादा होगा। कैलकुलेट करके देखना, मैं 100% बोल रहा हूँ आपको। ये ट्रिक होता पकड़ने क्वेश्चन का। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन में आपने इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना लिया? ये तो बताओ कम से कम, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना लिया? सर एक बार फिर से बोलिए। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्स कर रहे हैं हम लोग दो सॉल्यूशन को, इसमें इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना ले रहे हैं ये बताइए आप। 19 24.2 देखिए कितना बोले, फिर बताइए कितना बताए आपने। 24.2 100 ml ऑफ 0.2 मोलर था या नॉर्मल था ये? अरे मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है कि इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होता है नॉर्मलिटी मोलरिटी से। बेटा ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस चैप्टर का, यही बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं करता, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। अब उसका बोलेगा बहुत टफ है, बहुत टफ। अरे एक सिंपल तो थ्योरी है बेटा, सिंपल। इक्वेलेंट को कोरिलेट करो ना नॉर्मेलिटी मोलरिटी से, कैसे इक्वेलेंट को एक्सप्रेस करते हैं। वो भी नहीं करोगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही छोड़ दो, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। वो तो कम से कम इक्वेट करो। सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.04 आ रहे हैं। यस, इक्वेलेंट ऑफ H2SO4 जाएंगे तो नॉर्मेलिटी इंटरवल में लिख लेंगे कि नहीं बताइए आपको। 0.2 × 2 करेंगे कि नहीं बताइए, क्योंकि ये एन फैक्टर 2 है कि नहीं, इसका मोलर को नॉर्मल में लेके गए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। श्रुति देव समझ में आ रहा है मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? एन फैक्टर 2 है, इसलिए नॉर्मल को मोलर में कन्वर्ट, मोलर को नॉर्मल में कन्वर्ट किया मैंने। 100 बाई क्या करेंगे यहाँ पे 1000, तो बताइए कितना आ रहा है आपका, 0.04 आ रहा है कि नहीं? और एन बताइए, हाँ सर, और ये बताओ तो ये जो सॉल्यूशन आपने एससीएल कर रखा था, उस एससीएल में आपने कितना रखा था? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होता? सर 1 1। द इक्वलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? ये होगा 0.2 ही रहेगा, ये 100 बाई क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 0.02। और देखिए इसका इक्विवेलेंट ज्यादा, सर एसिड एसिड। का, एसिड का। अब बताइए क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे आपको, अब क्या करेंगे, N1V1 ये किसका इक्विवेलेंट होगा? H2SO4 का माइनस N2V2, ये इक्विवेलेंट किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये नॉर्मेटिव मिक्सचर, ये वॉल्यूम मिक्सचर। बेटा मैंने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, दोनों को मिक्स कर दिया, सर 200 ml ये वॉल्यूम मिक्सचर हो जाएगा आपका 200 ml। राइट, सबको ml में रखिए। अब बेटा बताओ तो ये कितना था, 0.04, हमारे 0.02 नॉर्मेटिव मिक्सचर फाइंड करना था, वॉल्यूम हो गया 200। बेटा डिफरेंस से देखो कितना रहा आपका नॉर्मेटिव मिक्सर से, ये 0.02 अपॉन 200। देखो मैंने एक गलती कर लिया यहाँ पे, इसको 2 को डिवाइड करेंगे ना 1000 से, बताइए 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबको लीटर में रख रहा हूँ यहाँ पे।
बताओ कितना हो जाएगा, 0.2 नॉर्मल हो जाएगा ये। बेटा देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लीटर में रखा था, लीटर में, इसलिए उस वॉल्यूम को भी लीटर में लाना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर आपने क्या किया, एक ही स्टेप पे स्टार्टिंग से ही अगर यहाँ पे एमएल एमएल पुट कर देते तो एमएल में रखो उसको, सेम आंसर रहेगा। मतलब एस प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा मिक्सर में, 0.2 मोलर या नॉर्मल? सर सर जीरो एम पॉइंट वन मिक्स नॉर्मल तो लाना जीरो पड़ेगा। पॉइंट वन नॉर्मल है। हाँ सर, समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मलिटी मोलरिटी यहाँ पे। हाँ नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर तो 0.1 आ रहा है। नहीं, आप एक काम कीजिए। ओ हाँ यस यस यस, ठीक है उसको कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे 0.2 है, कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा ही, राइट क्वार्टर नॉर्मल। इसको 0.1 कर दीजिए। हाँ सही है, 0.1 ही आएगा, राइट गुड। अब ये बताओ थ्योरी समझ में कैसे फाइंड करेंगे यस सर, बेटा। एक्सेस एसी सर रिएक्शन बेस होगा तो इसका मतलब कंप्लीट कंडक्शन नहीं है वहां पे। मान लो यस एक सर, साथ आपने 100 इक्वेलेंट एसिड लिया और 50 इक्वेलेंट बेस लिया, तो 50 इक्वेलेंट बेस 50 इक्वेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन 50 इक्वेलेंट आपका एसिड बच जाएगा कि नहीं? यस सर, आई यस बात समझ में? सर, अब ये बता दो, इस टाइप का जो सॉल्यूशन था आपका यहाँ पे, जो क्वेश्चन मैंने एक दिया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पे, देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, एक इधर आइए, 204 ये था, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक जो क्वेश्चन दिए थे डेंसिटी मोनोबेसिक वो कर लिए थे आपने, HCl मेटेलिक सोडियम वो बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल लॉ ऑफ केमिकल कूलेंट से ये बता दी, ये बताएंगे आपको, ये सब तो बताना आपको। क्वेश्चन दिए थे कहाँ था क्वेश्चन, याद है वो जो एक्सेस मैंने बोला था? रुको अभी देखो पीडीएफ, ये इसी में था वो, देखने दो। देखो सॉरी ये नहीं था बेटा, ये कर लोगे खुद से आप तो। ये देखता हूँ, निर्मली बताइए, इसी में था ना कि दूसरा पीडीएफ था वो, एक जो मैंने बोल रहा था कि बाद में कर पाएंगे, इसी में था सर। यस ये देखो थ्री, ये थ्री। अब बताओ नॉर्मेटिव एस टू सो फोर इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एस टू सो फोर विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ तो किसका इक्वेलेंट ज्यादा लग रहा है बेटा यहाँ पे, एस टू सो फोर का लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, ये थ्री क्वेश्चन में देखो ना किसका इक्वेलेंट ज्यादा लग रहा है, बताइए खुद से किसका H2SO4। काम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपको जो नॉर्मेलिटी पूछ रहा है बेटा वो किसका नॉर्मेलिटी है, H2SO4 का ही तो नॉर्मेलिटी आएगा रिजल्टिंग सर, क्योंकि वही तो इस एक्सेस है। चलो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 100 × 0.1 × 2 कर देंगे, माइनस 50 × 0.1 कर देंगे, इक्वल टू नॉर्मेटिव मिक्सर फाइंड करना मेरे को। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके वो कितना लेंगे, 150 कर देंगे। अब बेटा बता दो कितना आ जाएगा, सबको मैंने एमएल में रखा, इधर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 × 20 आ जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 15, 15 बाय क्या करेंगे, 1/15, कितना 0.1, देखो कितना ही सिंपल है, 1 आ रहा है कि नहीं सर यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। बेटा? 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 1000 कर देंगे, यहाँ भी 1000 हो जाएगा और यहाँ भी 1000 हो जाएगा, तो कॉमन स्पेस ऑफ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? सर, इसलिए अगर मान लीजिए किसी का एमएल में रख दिए, सबको एमएल में करते चले जाइए, एक ही आंसर आएगा। बताओ क्वेश्चन टफ था कीजिए तो बताइए तो। आर्यन बताइए ऑनेस्टली बताओ, जेई मेन का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन टफ था इजी था था एकदम। आप बताइए एसिड बेस कहीं भी मिक्स करेगा और
रिजल्टिंग सॉल्यूशन में किसी भी एसिड या बेस का कंसंट्रेशन पूछेगा नॉर्मलिटी, तो पकड़ पाया जाएगा ना कि ज्यादा एसिड है वहां पे। तो फिर ज्यादा एसिड होगा तो क्या करोगे, एन वन बी वन माइनस एन टू बी टू का फॉर्मूला लगाओगे या एन वन बी वन इक्वल टू एन टू बी टू का? आप याद रखिएगा, एन वन बी वन इक्वल टू एन टू बी टू का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब आपका न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट आएगा। अभी और एक्सेस एसिड लेंगे, एक्सेस बेस लेंगे तो फिर एन वन बी वन इक्वल टू एन टू बी टू मत लगाना, वहां पे एसिड माइनस बेस या बेस माइनस एसिड करके लाना। कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग खुद से? सब कुछ सेपरेटली बोल रहा है करने के लिए, एक साथ में सब कुछ सेपरेटली, हाँ सर, मतलब इसका वॉल्यूम इसके साथ एक बार इक्वेट कर दीजिएगा, इसके वॉल्यूम को एक बार इसके साथ इक्वेट कीजिएगा, मतलब इसका अनफैक्टर कितना लेंगे, टू ले लेंगे, तो वन मोलर है तो कितना नॉर्मल हो जाएगा, टू नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग? ये क्वेश्चन तो N1B1 इक्वल्स टू N2B2 कर सकते हैं न्यूट्रलाइज। नहीं 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 आपको बोल रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ कितना चाहिए आपको, वो अलग सेपरेटली बोल रहा है करने के लिए, सेपरेटली फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको। आपको बोल रहा है कि एक बार मैंने यहाँ पे H3PO4 को रखा, थ्री को रखा, एक बार बोल रहा है कि मैंने H3PO2 को रखा, यहाँ भी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ, आप बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम बताओ कितना डालू, दोनों सेपरेटली करवा रहा आपसे, नहीं आप सर, क्या मैं करेंगे? बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर न्यूट्रलाइज लिखा है तो हम वो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वही ना बोल रहा हूँ कि इक्वल कर देंगे, वन इंटू बी कर देंगे, ये वन अगर लिए यहाँ पे, वन लिए उसको बी कर दिए, इसको 50 रखा मैंने, इंटू वन इंटू टू कर देंगे तभी इक्वल टू 100 आ जाएगा कि नहीं, एम एल बताइए। और इसके लिए जब जाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, बी इंटू वन कर देंगे, इसको 100 इंटू 0.2 ये टू कर देंगे, इसका भी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 ml आ जाएगा कि नहीं? मैंने किसका इक्वलेंट रखा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वलेंट है, ये किसका इक्वलेंट है, H3PO2 का, ये किसका इक्वलेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वलेंट है, ये किसका इक्वलेंट है आपका, H3PO3 का। समझ में आई बात या नहीं सर समझ में ऑप्शन आया? सी आएगा। तो बताओ ये सब ओरली हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बताइए खुद से। समझ में आई कैसे किया है बताइए आप लोग, आगे चलता हूँ। अच्छा ये बता दो, मैं आगे टॉपिक को प्रोसीड कर रहा हूँ, पीओसी पे थोड़ा वर्क कर लूंगा ताकि कुछ टॉपिक को थोड़ा फिनिश करता हूँ जल्दी जल्दी। ये लॉफ केमिकल और इसका एसिड बेस स्टैटिसेशन में कुछ आइडिया लगा आप लोगों को, कैसे करोगे? हाँ सर, यस सर, ओके तो मैं चलूँ आगे टॉपिक लेके, चलिए यस सर, सो तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ जो नीट के लेवल का क्वेश्चन है, वो ये नीट में जेईई मेन में भी रिसेंट ईयर में देखा था मैंने एक क्वेश्चन, ये जो देखा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये आकाश का पैकेज में भी था ये, तो वहीं से मैंने लिया, यहाँ पे 6 7 कर दिया, कितना ग्राम मिक्सचर लिया आपने सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड का, 1 ग्राम। बताओ रिएक्ट कम्प्लीटली विद द 100 ml ऑफ 1/10 मोल N/10 HCl, तो इसका मतलब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड में कौन सा सॉल्ट आपको रिएक्ट करेगा HCl के साथ? कैल्शियम कार्बोनेट। यस HCl करेगा, नहीं HCl क्यों करेगा, वो तो सोडियम न्यूट्रल सॉल्ट से, वो आप खुद से सोचो, आपने आज तक कभी रिएक्शन देखो NaCl कभी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे मतलब बताइए नो। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा 9/10 में कि मेटल कार्बोनेट को एसिड में डालते तो डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, अरे बेटा ये सब पढ़े होंगे आपने कि जैसे हम लोग सॉल्ट को कार्बोनेट सॉल्ट को एसिड में दो डिजॉल्व हो जाएगा, पढ़े हुए। अब देखो अब ये बताइए इसमें कितना मोल्स हम लोग HCl का ले रहे हैं, ये बता पाओगे आप लोग? सर कितना
मोल्स। हाउ मेनी स्पेशल, यस कितना मोल ले रहे हैं ये बता पाएंगे आप? हाँ सर, ये इक्वैलेंस के थ्रू बता दूं, इक्वैलेंस के थ्रू बता दूं आपको, या मोल्स मेथड जो बोलिएगा उसके थ्रू, किस पे कर दूं बताइए? सर इक्विवेलेंस। इक्वैलेंट पे करवा रहा हूँ, तो देखिए इक्वैलेंट पे करवा रहा हूँ। आप बताइए कंप्लीट रिएक्शन के लिए बोल रहे थे दोनों के इक्वैलेंट सेम होना चाहिए, हाँ जैसे सर, बोलेगा हाँ रिएक्शन सर, कंप्लीट या कंप्लीट रिलेशन बोलेगा तो इसका मतलब इक्वैलेंस पॉइंट पे चले गए। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इक्वैलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग इक्वैलेंट ऑफ HCl, क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? लॉग के इक्वैलेंस से ही वो बोलता आपका। अब मेरे को बता दो इक्वैलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का अगर बात किया मैंने तो क्या होगा? गिवन मास फाइंड करना, तो इक्वैलेंट मास कितना होता है? 100/52 होगा कि नहीं? हाँ सर, सुनो, मास फाइंड करना है तो इसको एक्सप्रेस कर दो एमई में, इधर होना चाहिए नॉर्मल मेटिंग टू वॉल्यूम में लीटर, तभी ना इक्वलेंट बोल, तो आप लोग बताइए। मास आप फाइंड करना है तो एम फाइंड कर लेंगे, इक्वलेंट मास कितना हो जाएगा? 100/2 होगा कि नहीं? यस सर, नॉर्मलिटी कितना है यहाँ पे? 1/10 होगा बेटा। वॉल्यूम कितना होगा? 100/1000 कर दोगे कि नहीं? आप 100 ml लिए थे तो एम कितना रहा, चेक करो तो 0.5 ग्राम आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए। यस हाँ सर, सर, अब बताओ तो ये 0.5 ग्राम किसका हो गया? अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताओ 1 ग्राम मिक्सचर में अगर 0.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो परसेंटेज कितना होगा? 50% हो जाएगा कि नहीं? वो 80%। हाँ यस सर, सर, सर अब ऑडिबल नहीं हो। सुनाई नहीं दे रहा सर, यू आर इनऑडिबल। सर आपका आवाज सही आ रहा है। हाँ सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे।